नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। जिंदगी के हर मोड़ पर ज्योतिष आपको तैयार करता है, प्रिपेयर करता है ताकि आप सही वक्त पर सही फैसला करें और मेहनत करके आगे बढ़ते रहें। तो इसलिए आपकी कुंडली में हम लाते हैं पूरे हफ्ते का राशिफल खास आपके लिए। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं देवशंकर शास्त्री जी, जिनसे हम जानेंगे पूरे हफ्ते का राशिफल। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी कार्यक्रम में। नमस्कार आचार्य जी, हमें पूरे हफ्ते का राशिफल तो जानना ही है, सारी राशियों का वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक टिप हमको आप देते हैं किचन से जुड़ा हुआ। शुरुआत हम उसी से करेंगे, किचन में क्या क्या सावधानियां बरतें। मैं श्रेष्ठ भारत चैनल के माध्यम से ये मैं कहना चाहूँगा, देखिए बातें बड़ी छोटी है, बात बड़ी छोटी छोटी होती है और अगर हम उसको थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं तो हमारे जीवन के अंदर में बहुत तरह के फायदे होने लगते हैं। जैसे कि हम देखिए सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद में जो भी हमारी प्रक्रिया होती है वो करने के बाद में हम किचन में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले मैं माताओं और बहनों को मैं कहना चाहूँगा जब अपने हाथ पैर धो और कुल्ला करके फिर किचन में प्रवेश करें और अन्नपूर्णा मैया को अग्निदेव को प्रणाम करें। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि किसी का शनि कमज़ोर है या किसी का गुरु कमज़ोर है या शनि के साथ में केतु का टकराव है या गुरु के साथ में राहु का टकराव है, तो इसका छोटा सा उपाय है, अगर ये छोटा सा उपाय हम कर लेते हैं तो ये टकराव बंद हो जाएगा और जीवन के अंदर में बहुत तरह के तरक्की रहेगी। तो सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ और समझने की बात है, घर में एक तरह से जो है सो समझने की छोटी सी बात है, अगर हम समझ लेते हैं किचन के अंदर में तो बहुत फायदा हमें प्राप्त होता है, बहुत फायदा हमें मिलता है। तो जैसे कि किचन में हम प्रवेश किए तो किचन में जाने के बाद जिस पे हम रोटी बनाते हैं तवे पे, तवे को क्या करेंगे हम साफ करके, पानी छिड़क करके साफ कर देंगे उसको और साफ करके उस पे थोड़ा सा नमक डाल देंगे और नमक डाल करके उसको एक कपड़े से साफ कर देंगे। नमक डालने के बाद में तवे पे कपड़े से उसको साफ कर देंगे और उस तवे पे जो पहली रोटी बनेगी वो रोटी हमें गाय को खिलानी है। अगर हम ये काम करते हैं, पहली रोटी बना करके पहले क्या किया हमने, उसको जल से छिड़क करके साफ कर दिया, फिर हमने उसको नमक डाला थोड़ा सा और नमक डाल करके उसको कपड़े से साफ कर दिया और साफ करने के बाद में पहली रोटी जो बनेगी वो गाय के लिए निकाल दीजिए। अगर आप गाय के लिए वो पहली रोटी निकाल करके गाय को खिलाते हैं तो गुलविश जी उसमें क्या होता है, अगर आपका गुरु कमज़ोर है या शनि कमज़ोर है या गुरु के साथ में राहु का टकराव बन रहा हो या गुरु के साथ में केतु का टकराव हो या शनि के साथ में केतु का टकराव है, तो इस ग्रह की पोजीशन जो है कमज़ोर जो था वो अच्छा हो जाता है, वो टकराव खत्म होता है और उस व्यक्ति के जीवन में अच्छा फल मिलता है। तो नमक छिड़क करके कपड़े से साफ करके और पहली रोटी गाय को निकालिए और जब रोटी खा ले घर में बनाने के बाद में जब परिपूर्ण हो जाए तो लास्ट की जो रोटी है वो रोटी कुत्ते के लिए निकालें। लास्ट की रोटी जो है तवे पे वो कुत्ते के लिए निकालें, वो निकाल करके कुत्तों को खिला दें, तो इससे राहु केतु और शनि और गुरु इत्यादि कोई भी ग्रह अगर कमज़ोर है तो ये ज़रूर उसमें फायदेमंद रहेगा। नौकरी या व्यवसाय में कोई दिक्कतें थी तो दूर हो जाएगी और साथ में हर तरह से पारिवारिक संबंध भी और रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा बना रहेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे छोटा सा उपाय आपको हमने बताया है लेकिन उसके बहुत फायदे होंगे। चलिए आचार्य जी शुरू करेंगे, राशिवार हम शुरू करेंगे सारी राशियों का। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि, मेष राशि के जातक पूरा हफ्ता उनके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। मेष राशि वालों के लिए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल का समय बहुत शुभ रहने वाला है, धन सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी, शादी समारोह के योग बनेंगे, व्यापारिक स्थिति अच्छी बनी है बनी रहेगी, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। फिर भी ये सप्ताह अगर आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन उपवास रखें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, मेष राशि वालों के लिए बहुत लाभ मिलेगा। चलिए आपको किन चीज़ों से लाभ मिल सकता है वो भी आचार्य जी बता रहे हैं, आगे बढ़ेंगे।
आचार्य जी, वृषभ राशि के जातक, उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है? क्या उनके रुके हुए काम बनेंगे? जी, वृषभ राशि वालों के लिए समय मध्यम रहेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ा नुकसान पर होने की संभावना है। अपने आप को, मन को शांति बना करके रखें, जिससे कि आपकी छोटी छोटी अड़चनें उत्पन्न ना हो। अपने आप को महसूस आप करेंगे, लेकिन फिर भी कार्य को प्रति हर प्रकार के समर्पण करते हुए अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और परिवार का सहयोग भी पूरा आपको ये सप्ताह मिलने वाला है। और अगर आप इस सप्ताह अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं, आपके लिए वृषभ राशि वाले के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, आपको जो उपाय करना है वो भी आचार्य जी बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, मिथुन राशि, इनके लिए ये पूरा हफ्ता कैसे रहने वाला है? जी, मिथुन राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक का समय बहुत बेहतर रहेगा। एक लीडरशिप के रूप में बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए, उभर करके आगे आएंगे। धन से जुड़ी सभी समस्याएं आपकी दूर होगी। धन का आवश्यक जो है सो स्रोत्र बढ़ेगा। परिवार में सुखी माहौल बना रहेगा। और भी मजबूत करने के लिए भगवान शिव की पूजा पाठ करें, काले तिल और दूध चढ़ाएं शिवलिंग पे, तो आपके लिए बहुत लाभ रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए, अच्छा समय है और उसको और भी आप बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, कर्क राशि, इसके जातकों के लिए आप क्या कहेंगे? जी, कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह आपके लिए बहुत अनुकूल समय रहेगा। सुख सुविधा में वृद्धि होगी, व्यापार भी अच्छा रहेगा आपका। फिलहाल खर्च बढ़ चढ़ के हो सकते हैं, इस पे आप ध्यान रखें, संतुष्ट रहने की आवश्यकता है आपको। और अगर इस हफ्ते फिर भी अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार वाले दिन जल में हल्दी मिला करके पीपल के पेड़ पे चढ़ाने से ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, आपके लिए सप्ताह अच्छा है और लाभ भी आपको मिलने के पूरे आसार बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, अगली राशि की हम बात करेंगे, सिंह राशि, इनके लिए ये हफ्ता क्या पैगाम लेकर आया है? जी, सिंह राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, ये पूरा हफ्ता आपके लिए मजबूत समय रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। धन आवश्यक बढ़ेगा आपका। आत्मबल भी बढ़ेगा, बहुत मजबूत बना रहेगा। जीवन साथी का सहयोग भी बना रहेगा और तालमेल बना करके काम करिए तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। फिर भी इस सप्ताह सिंह राशि वाले कोई उपाय करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन अपने पितरों के नाम से खाने पीने की वस्तु दान दें तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो आपको दान करना है और किस चीज़ का दान करना है वो आचार्य जी ने आपको बता ही दिया है। आगे बढ़ेंगे कन्या राशि, उसके लिए ये सप्ताह मध्यम है या अच्छा रहेगा, क्या कहेंगे आप? कन्या राशि वालों के ये हफ्ता आपके लिए कमजोर रहने वाला है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह में कार्य क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएं, चोट लगने की डर रहेगा, मानसिक तनाव रह सकता है, तो किसी भी प्रकार के मन के ऊपर में किसी भी प्रकार की कोई बोझ ना बनने दें। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, वाद विवाद से भी बचना पड़ेगा आपको। फिर भी अगर इस सप्ताह अपने आप को बचा के रखना चाहते हैं तो हर शुक्रवार की सूजी की पंजीरी बना करके पीपल के पेड़ के जड़ में अगर आप चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, ये जो आप उपाय बता रहे हैं आचार्य जी, ये करते रहना है या एक ही हफ्ते के लिए होते हैं? देखिए, अगर जो अभी मैं कन्या राशि वालों के लिए बताया हूँ गुलवेश जी, अगर ये उपाय ये करते भी रहेंगे तो राशि के अनुसार और किसी भी जातकों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है, बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि ये जो उपाय है ये कभी किसी को नुकसान देने वाला नहीं है, ये बेहतर फल देने वाला है। इससे जीवन में ग्रह की जो शक्ति होती है, अगर कोई ग्रह उग्र होता है तो शांत हो जाता है और जीवन में बहुत तरह की तरक्की मिलती है। बिल्कुल, और ये ग्रहों का तालमेल अगर अच्छा रहे तो सब कुछ बढ़िया आराम से चलता रहता है जिंदगी में। आगे बढ़ेंगे तुला राशि, इनके जातकों के लिए आप क्या संदेश देंगे?
जी तुला राशि वालों के लिए कहना चाहूंगा, ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत शुभ समय रहेगा। हर जगह आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सेहत में आपका सुधार होगा, अगर सेहत खराब चल रहा था तो। धन का भी लाभ होगा, कहीं पे आए कि साधन में कमी थी तो उसमें भी सहयोग मिलेगा। आप इस सप्ताह बहुत ज़्यादा आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे, मन आपका बहुत प्रसन्न रहेगा। और रिलेशनशिप में भी कहीं दूर दूर तक कोई कठिनाई थी तो ये सप्ताह आपके लिए दूर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई उपाय करना चाहेंगे तो मैं कहना चाहूँगा, खटाई का प्रयोग नहीं करें जिससे कि आपका मन न खराब हो, और अगर आपका मन खराब होता है तो चंद्रमा वीक हो जाता है, इसलिए आप अपने आप को बचा के रखिए। और आपके परिवार के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी अगर कोई उपाय करना आप चाहते हैं तो भगवान शिव की विशेष तौर पे पूजा पाठ करते रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तुला राशि के जातकों के लिए अच्छा समय है और आप आराम से सब चीज़ें प्लान कर सकते हैं पूरे हफ्ते की। वृश्चिक राशि, जिनकी ये राशि है उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? वृश्चिक राशि वालों के लिए, इस राशि के जातकों के लिए समय थोड़ा चिंता से घिरा हुआ है। किसी प्रकार का अज्ञात भय आपको सता रहा है, मन अशांत रहेगा, कार्य भी इसलिए बढ़ चढ़ के करें, मन को अपने आप में कंट्रोल बना करके रखें, इसलिए मन को नियंत्रण में रखें जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, और जो हालात बना है इस हालात को बेहतर आप बनाने की प्रयास करें। फिर भी इस सप्ताह अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो शनि बीज मंत्रों का 108 बार जाप करें जिससे कि आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो आपके लिए आपको जाप करना है और किस चीज़ का जाप करना है वो आपको आचार्य जी ने बता ही दिया है। आगे बढ़ेंगे धनु राशि के जातक, उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, क्या उनके रुके हुए काम हो पाएंगे या अभी उनको और इंतजार करना होगा? धनु राशि वालों के लिए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक का जो समय अच्छा रहेगा, रुका हुआ धन वापस आएगा, आय के नए साधन मिल सकते हैं, शुभ समाचार मिलेगा, परिवार का पूरा साथ मिलेगा, बहुत दिनों से जो दिक्कतें चल रही थी वो दिक्कतें भी दूर होगी। फिर भी कोई उपाय करना चाहते हैं तो प्रत्येक शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल, आपको सुंदर कांड का पाठ करना है और क्या क्या और करना है वो लगातार आपको आचार्य जी बता ही रहे। आगे बढ़ेंगे मकर राशि के जातक, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आचार्य जी? जी, मैं मकर राशि वालों के लिए कहना चाहूँगा, ये सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा। कोर्ट कचहरी में फैसले आपके पक्ष में आ सकते हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, व्यापार में नई योजनाएं बना सकते हैं आप, समय शुभ है, परिवार का परिपूर्ण साथ होगा आपका और साथ मिलेगा। फिर भी अगर ये सप्ताह अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो शनिवार को अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बजरंगबली का, सुंदरकांड का अगर आप पाठ करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान जी की सेवा करें तो आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा। बिल्कुल, आपके लिए लाभदायक समय है और ध्यान भी रखना है, क्या क्या ध्यान रखने आपको बता दिए। कुंभ राशि का नंबर है, अब आचार्य जी उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कुंभ राशि वालों के लिए? जी, कुंभ राशि वालों के लिए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक का समय अच्छा रहने वाला है, भाग्य आपका साथ देगा, धर्म कर्म करते रहेंगे आप, यात्रा के योग बनते नजर आ रहे हैं, प्रेम संबंध में चल रही समस्याएं दूर होगी, और रिलेशनशिप में कई हफ्तों से जो प्रॉब्लम चल रहा था वो भी दूर होगा। फिर भी आप शनिवार के दिन सरसों तेल की छाया का दान करें, आप सरसों तेल दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए। और वैसे भी अगर आप सरसों का तेल का दान करते हैं ये अच्छा ही रहता है, ये करते रहना चाहिए ये दान। आगे बढ़ेंगे मीन राशि, आखिरी राशि बची है आचार्य जी, उनके लिए ये समय मध्यम है या अच्छा है? मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही मध्यम बना हुआ है, किसी परेशानी में आप पड़ सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। देखिए, आपकी हमेशा अच्छा चल रहा था, ये सप्ताह के अंदर में ये कहना चाहूँगा थोड़ा मध्यम है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आवश्यकता है आपको ध्यान रखने की। व्यापार भी आपका इस सप्ताह मध्यम रहेगा, परिवार में वाद विवाद ना करें और परिवार में वाद विवाद से बचें, किसी भी प्रकार की क्रोध ना करें, अपने क्रोध पर नियंत्रण ध्यान रखें, और आपके लिए
ये सप्ताह जो है ध्यान रखने की है मीन राशि वाले, अगर आप अपने आप को ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो किसी बूढ़े व्यक्ति को भोजन करें या उनको दान करें, ये करने से आपका जो ये सप्ताह जो मध्यम है मीन राशि वालों के लिए, ये सप्ताह आपका मजबूत बन जाएगा और आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो ये 12 राशियां तो हो गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम आचार्य जी से और भी कई जानकारियां लेते हैं। आचार्य जी, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि कुछ बदलाव ऐसे हो रहे हैं, तो ऐसे में हम ये बात करते हैं कि बड़ों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो क्या आप ये बताएंगे कि क्या बच्चों को भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्या पेरेंट्स को उस तरफ भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है? कुछ घटनाएं आप बता रहे थे। जी, मैं ये कहना चाहूँगा श्रेष्ठ भारत चैनल के माध्यम से, देखिए बड़ी ज्ञान की बात है, नया संबत आने वाला है 9 अप्रैल से, और जब भी संबत चेंज होता है बदलता है तो उस समय ज्योतिष शास्त्र में और विज्ञान ने भी कहा है, जो कई बार ज्योतिष शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, जो उस समय पे कुछ बहुत तरह के ग्रहों का फेरबदल होता है, बदलाव होता है आपस में, जिसका प्रभाव देश दुनिया पे पड़ता है। तो जैसे कि कोई महामारी का ऐसे संकेत ना बन जाए जिससे कि अपने आप को बचाव करके रखना पड़ता है, तो इस समय जैसे संबत बदल रहा है, तो संबत बदलते समय एक महीना पहले और एक महीने बाद तक, जैसे कि छोटे बच्चों को इस बार जैसे शनि मंत्री है और मंगल राजा है, तो छोटे बच्चों को क्या है, चिकन पॉक्स होने की संभावनाएं बन सकती है, उसको विशेष तौर पे ध्यान रखा जाएगा। बीमार पड़ने की संभावनाएं बन सकती है, उस पर विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऐसी छोटी कोई समस्या आती है तो मेरा कहना किसी भी प्रकार की ये है, जो आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने आप को बचाव करके रखिए, अपने आप को विशेष तौर पे ध्यान रखिए, जिससे कि ऐसी कोई भी समस्याएं आती है तो इसमें आपको दिक्कत नहीं हो और परेशानी उठाना न पड़े, क्योंकि जब भी ये समय आता है तो विशेष तौर पे ऐसे होती है और जिसके कारण बहुत तरह के दिक्कतें होने लगती है। तो खास तौर पे मैं ये गुलबी जी कहना चाहूँगा, जैसे इस समय वर्तमान में छोटे बच्चों के लिए विशेष तौर पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जिन जिन बातों का ध्यान रखना है वो भी हम आपको बता देते हैं। बड़ों को तो ध्यान रखना ही है, बच्चों का भी थोड़ा ध्यान रखने का समय है। और बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप यहाँ पर आए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की है, हमें बताया आगे के लिए क्या क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। तो हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे, बताएंगे आपको क्या है आपकी कुंडली में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।